हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हम WB क्लास 10th का चैप्टर 12 कर रहे थे, जो कि स्फीयर था, और हमने काफ़ी क्वेश्चन इसमें कर लिया था। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में आगे के सम्स करेंगे, जो कि 11, 12, 13 एंड 14 है, और इस पूरे चैप्टर पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो VSA है और MCQs है वो आपको बाद में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 स्फीयर चैप्टर। ठीक है, एक धातु के पत्थर से तैयार दो खोखले गोलकों का व्यास स्फीयर्स का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर। दोनों गोलकों को बनाने में जितने परिमाण में धातु लगेगा उसका अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो जितने परिमाण में धातु लगेगा उसका हमें परिमाण ज्ञात करना है। मैं एक बार फिर से बता दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू हॉलो स्फीयर्स विद द लेंथ ऑफ द डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 17.5 सेंटीमीटर, ओके, रिस्पेक्टिवली देन मेड अप ऑफ द शीट्स ऑफ द सेम मेटल। एक शीट है, मेटलिक शीट है, कैसा भी शीट हो सकता है, इस तरीके से शीट है। इससे क्या बन रहा है, दो गोलक तैयार हो रहा है, दो स्फीयर्स तैयार हो रहा है, इससे दो स्फीयर्स तैयार हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और वो दोनों क्या है, हॉलो स्फीयर्स है। इसका डायमीटर दिया हुआ है, एक का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर और दूसरे का डायमीटर है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मटेरियल लगा है, इस मटेरियल में दोनों गोलकों में दोनों स्फीयर्स का जो मटेरियल लगा है, दोनों का हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ द मटेरियल ऑफ द शीट। ठीक है, इस शीट में ये जो मटेरियल है, उस मटेरियल से जो ये दोनों स्फीयर्स बने हैं, उन दोनों स्फीयर्स का एक तरीके से वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है। बट वॉल्यूम एक्चुअली ये वाला वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, ये मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें यूज़ करना है वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है यहाँ वॉल्यूम, लेकिन इस वॉल्यूम से जो बन रहा है, इस वॉल्यूम का यूज़ करके जो बन रहा है उसका हमें फाइंड करना है रेशियो। तो एक्चुअली जो बन रहा है, जो हमें स्फीयर्स बना रहे हैं, हम स्फीयर्स उस स्फीयर्स में लग कह रहा है, हॉलो स्फीयर है, तो यहाँ वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं होगी। हॉलो स्फीयर्स है, इस मटेरियल का वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं स्फीयर्स बनाने में, तो उसका कितना मटेरियल लगा है, उस दोनों में अलग अलग दोनों में जो भी मटेरियल लगा है, उस मटेरियल का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो जो मटेरियल लगा है एक्चुअली वो क्या है, एरिया है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द बोथ स्फीयर्स। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर्स एंड देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों स्फीयर्स का, वॉल्यूम इसका यूज़ करना है, लेकिन हमें यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ दूँ। टू हॉलो स्फीयर्स विद द लेंथ ऑफ द डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 17.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेड अप फॉर द शीट्स ऑफ द सेम मेटल एंड कैलकुलेट द मटेरियल यूज मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द टू रेशियोज ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द टू स्फीयर्स। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द टू स्फीयर्स। वो रेशियो निकालना है जो इसको बनाने में यूज़ हुआ है। ठीक है, मेटल का वो रेशियो निकालना है जिसको इसको बनाने में यूज़ हुआ है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर है, दोनों स्फीयर्स के डायमीटर है। यहाँ से रेशियो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल्स 21/2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर 17.5/2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी कैन इजली कैलकुलेट द सर्फेस एरिया बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सर्फेस एरिया ऑनली, नॉट द वॉल्यूम। ओके, वी आर यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ द शीट बाई मेकिंग द हॉलो स्फीयर। सो हेयर इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द सर्फेस एरिया, नॉट द वॉल्यूम, सो डोंट कन्फ्यूज। ओके, सो लेट्स टेक द रेडियस टू फाइंड द सर्फेस एरिया। ओके, एंड टोटल सर्फेस एरिया, कैन से टोटल सर्फेस एरिया और इजली कर्व सर्फेस एरिया एंड सर्फेस एरिया, बोथ ऑल आर इक्वल बिकॉज इन केस ऑफ स्फीयर्स देर इज नो एनी कर्व सर्फेस एरिया और लेटरल सर्फेस एरिया, देर इज अ सिंपल सर्फेस एरिया। सो यू कैन राइट द टोटल सर्फेस एरिया ऑल्सो, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल्स, फॉर्मूला भी नो, फॉर्मूला हमें पता है, 4π r1² it is a r1. So let me write, there is a r1 and this is r2. Okay, aap thoda acche se likh lena. Theek hai, 4π r1² then 4π r1 ka value kitna hai, 21/2 square. Now total surface area of second sphere 4π r2 square. Okay, and you can write 4π 17.5/2 square. Now we have to find the ratio. The ratio of the material used in both spheres.
जो दोनों स्फीयर्स में मटेरियल यूज़ हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हिंदी वाले बच्चे लिख लें, वरना या अगर नहीं लिख पा रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक वीडियो डाल दूँगी हिंदी में भी, ठीक है। तो चलो रेशियो फाइंड करते हैं। पहला है 4 पाई 21/2 21/2 वी कैन राइट इज टू 4 पाई। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना 17.5/2 मल्टीप्लाई 17.5 सॉरी बाय टू, ओके। अब यहाँ से हम यह 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 और इस 2 से ये 2 सारा कैंसिल हो गया नीचे नीचे, ठीक है। क्या बचा 21 मल्टीप्लाई 21 इस टू 17.5, इसका मल्टीप्लाई 17.5। अब इसे 7 से कट कर लेते हैं, 7 से रिड्यूस कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 7 3 ज़ा यहाँ से 7 से करेंगे तो क्या होगा, 7 2 ज़ा 14 14 3 7 5 ज़ा 2.5 आएगा, ठीक है। 7 से दोनों को कट कर लिया, 7 से इसको, फिर इसको किया, फिर इसको और इसको किया, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 25/10 मल्टीप्लाई 25/10। इसे रिड्यूस कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 ज़ा 9 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 9 4 ज़ा 36 36 इज टू 5 5 ज़ा 25 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। एक बार आप पूरा देख लें इस तरीके से है। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया है कि नए गोलक में वक्र तल का क्षेत्रफल पहले गोलक का आधा है, तो कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो इसे तो पहले हम इसका जो फिगर है उसको ड्रॉ करके समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। तो क्वेश्चन रिपीट करते हुए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मटेरियल के स्फीयर इज कट इन सच अ वे दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। एक एक इस तरीके से क्या है, स्फीयर है, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसा मटेरियल कट कर लिया गया, मान लो ये वाला पार्ट कट कर लिया गया, ठीक है। तो ये जो कट वाला पार्ट है, ये जो यहाँ आया, इसका क्या दिया हुआ है, सच अ वे दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। ये जो प्रीवियस जो ये स्फीयर था, पहला फर्स्ट स्फीयर था, इस स्फीयर का ये हाफ हो गया, आधा हो गया, ऐसा निकाला गया कि एकदम पूरा आधा निकला है। तो ये हो गया आपका सेकंड स्फीयर का क्या, आधा हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन कट ऑफ एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, हमें वॉल्यूम किस वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम निकालना है, हमें क्या रेशियो निकालना है इस पार्ट का, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, इन दोनों का हमें क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। पहले जो बड़ा गोलक है उसमें से एक ऐसा पार्ट कट किया गया जिसमें से इस ये जो वॉल्यूम बन गया, ये इसका जस्ट हाफ है, ठीक है। सॉरी, सच अ वे दैट द कर्व सर्फेस, सॉरी कर्व सर्फेस एरिया जो है वो हाफ है प्रीवियस स्फीयर की कर्व सर्फेस एरिया से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है रिमेनिंग पार्ट का और जो न्यू स्फीयर फॉर्म हुआ उसका, ठीक है। पहले हमें क्या करना था, हमने क्या कट किया, हमने कर्व सर्फेस एरिया कट किया, जो ऊपर का भाग होता है, कर्व पार्ट होता है, उसको हमने कट कर लिया है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो हमें पहले 4πr² फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हमें रेडियस मानना पड़ेगा, तो लिखते हैं यहाँ पे लेट द रेडियस ऑफ ओल्ड स्फीयर, क्योंकि पुराना वाला, पहले वाला, ठीक है, प्रीवियस ओल्ड स्फीयर इक्वल्स कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल्स स्मॉल, ठीक है, ओके। देन सरफेस एरिया वी कैन फाइंड, सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया ही निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर इक्वल्स 4πR², वी कैन इजली राइट, दिस इज द फॉर्मूला ओनली। देन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है, आप हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस पर जाइए, 4πr², ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच अ वे कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू वन इज हाफ ऑफ द ओल्डर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू इज 4πr² इज हाफ ऑफ द ओल्डर इज 4πR², सो वी कैन राइट लाइक दिस 4πR², बस आपको स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। हाफ
तो 4π से 4π कैंसिल, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 2 स्मॉल r स्क्वायर, और वी कैन राइट r इज इक्वल टू √2 × r। ठीक है, ये एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम का ही रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ दी ओल्ड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr की जगह पे हमें क्या मिल गया है, √2 × r दी होल क्यूब। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ दी न्यू स्फीयर 4/3 πr³। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, देन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। सॉरी, हमें रेशियो निकालना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर, ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर एंड द न्यू स्फीयर। रिमेनिंग पार्ट पहले निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जो कट हो गया था, कटने के बाद बचा था, सॉरी रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, इतना है, और न्यू स्फीयर जो कट के निकाला गया था वो इतना है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, जो बड़ा वाला स्फीयर है, अब देखो ये बड़ा वाला स्फीयर है, इसमें से इतना पार्ट कट करके हमने ये नया बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ये वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो बड़ा वाला वॉल्यूम है इससे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 4/3 πr³ √2r³ − 4/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4/3 πr³, इसमें भी है, तो आर क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा √2 − 1। ठीक है, तो ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। अब हम निकालते हैं रेशियो। ठीक है, नाउ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंड न्यू स्फीयर इक्वल्स 4/3 πr³ √2 − 1 = 4/3 πr³। ये है न्यू का। ठीक है, अब 4/3 पाई से पाई कैंसिल, r³ कैंसिल, क्या बचेगा √2 − 1 = 1। ठीक है, और यही आपका मैंने यहाँ पे क्यूब को तो इग्नोर ही कर दिया, यहाँ √2 का क्यूब भी है ना, तो अगर √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 × √2, तो क्या हो जाएगा, ये √2 √2, ये जो √2 √2 है वो 2 में चेंज हो जाएगा, और ये √2 बच गया, 2√2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2√2 होगा। ठीक है, इसका क्यूब करने पे 2√2 होगा, तो यहाँ पे भी 2√2 होगा और यहाँ भी 2√2 होगा, तो आंसर क्या हो गया 2√2 − 1 = 1, एंड दिस इज अ रिकवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से स्क्रॉल करके पूरा आंसर दिखा दूँ। ठीक है, ओके, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष का वक्र तल 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले दो छिद्र किए गए हैं, तो भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्थर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़ा ही टफ हिंदी दिया हुआ है, मैं इसको सरल भाषा में बता दूं हिंदी में भी, कि एक ग्लोब दिया हुआ है, ठीक है, और उसका रेडियस कितना दिया है, 13 है ना, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, मैंने इसको लिख के रखा है, ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब विद द लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। ठीक है, इस तरीके से ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका, ठीक है, और इसका 13 सेंटीमीटर का रेडियस है, कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 2 सर्कुलर होल्स आर मेड फॉर ईच ऑफ हैज लेंथ ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। दो होल बना दिया गया, सपोज यहाँ और यहाँ, ठीक है, और दोनों का जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है 0.7, ठीक है, कितना 0.7 सेंटीमीटर। ओके, देन लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेटल शीट सराउंडिंग द कर्व सरफेस। मतलब जो कर्व सरफेस है, जो बाकी पार्ट है, ये जो कर्व सरफेस है इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ये ग्लोब है तो ये दिखने में सर्कल जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं ग्लोब की बात करूँ तो मेरे पास वो है बास्केटबॉल है, मैं दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट, ठीक है, इस तरीके से ग्लोब है, दो होल्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे, अगर मैं इसे मार्क कर दूँ तो मेरा मतलब दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, तो अगर दो होल्स बने हुए हैं तो उस दो होल्स को छोड़कर बाकी कितना सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसे फाइंड करते हैं। हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करना होगा और सबसे पहले तो टोटल ग्लोब का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो चलो इसे बनाते हैं। ओके, वी हैव द रेडियस ऑफ द ग्लोब। ओके, सो वी शुड राइट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, रेडियस ऑफ ग्लोब, रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देन हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। देन सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब इक्वल्स 4πr². ठीक है, 4π को मैं 22/7 लिख दूँ और r का वैल्यू है 14 × 14। ठीक है, अब इसको आप कट कर सकते हो, 7 × 7 = 14। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2464² सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आगे कितना सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब। और हमारे पास दो होल्स हैं, ठीक है, इसमें दो होल बने हुए, इस होल को हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना होगी कि होल सर्कल सर्कुलर है ना, सर्कल है, ये ग्लोब नहीं है। तो इसका हम एरिया अगर फाइंड कर लेते हैं और इस टोटल में से इस इन दोनों का एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें ये वाला ग्रीन पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमें ग्रीन पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि रेडियस ऑफ ईच होल लिखते हैं, रेडियस ऑफ ईच होल व्हाट इज गिवन हियर, 0.7 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, सॉरी एरिया ऑफ बोथ होल। ठीक है, ईच नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, बोथ होल्स लिख देती हूँ क्योंकि दोनों का ही निकाल लेते हैं। हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों होल्स का हो जाएगा। ठीक है, दोनों होल्स का बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर, 0.7 × 0.7। इसे भी सॉल्व करते हैं, हमारा आ जाएगा कुछ 3.08। अगर मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने करके रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप अपना खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ द मेटल शीट निकालते हैं, एरिया ऑफ द मेटल शीट, मेटल शीट, मेटल शीट का एरिया निकालने का मतलब क्या है कि इस एरिया को छोड़ के बाकी जितना जिस मेटल से वो बना है वो ग्लोब, उस मेटल शीट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो वैसे टोटल एरिया माइनस दिस एरिया कर देंगे, तो 2464 − 3.08 इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा, माइनस कर लेते हैं, 2460.92 होगा सर, 60.92। ठीक है, इतना हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है ये। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वन सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कुछ ठोस गोलक बनाया गया, तो इन गोलकों की संख्या कितनी हो। देखो, गलाने की बात की जा रही है और गोलकों की संख्या की बात हो रही है, मतलब तो हमें स्फेयर्स है, एक 8 सेंटीमीटर का स्फेयर है। ठीक है, ये हमारा एक स्फेयर है 8 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब इसी को गला के, इसी को रिड्यूस करके गला के, मतलब इसका पूरा वॉल्यूम यूज़ किया गया, इसी का वॉल्यूम यूज़ करके छोटे छोटे बहुत सारे गोलक तैयार किए गए, बहुत सारे। तो उसका रेडियस भी दिया हुआ है, ईच का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो हमें कितने गोलक मिलेंगे, ये क्लास 5 में भी आता है क्वेश्चन। तो इस तरीके के कितने नंबर्स ऑफ स्फीयर्स हमें मिल सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इसका। ठीक है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि अगर इसका वॉल्यूम हमारे पास कलेक्ट करके हम रख लेंगे, उसके बाद अगर पता है हमें कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है हमारे पास, तो उसका कितना वॉल्यूम हो सकता है, तो हम उसका वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब इस एक वॉल्यूम से टोटल वाले को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इस वाले मटेरियल से कितने इस तरीके के स्फीयर्स बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका एक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे और हमें नंबर ऑफ स्फीयर्स मिल जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको बस डिवाइड ही करना होता है। तो चलो बनाते हैं इसे एक बार, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ दूँ ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी मार्बल्स विद द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, में भी वो होता है ना स्फीयर, मार्बल वाला जो कंचे भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्म बाय द मेल्टिंग द सॉलिड स्फीयर आयरन हैविंग 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, यहाँ पे आयरन दिया है, यहाँ पे मार्बल दिया है। अच्छा, ऐसे कुछ होगा, मैं एक बार इसमें देख लूँ क्या है, मार्बल है नहीं, यहाँ पे मार्बल नहीं है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। ये हो गया क्या, मेटल ही होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं रेडियस
रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स 4/3 πr³, ठीक है। तो 4/3 π 8³। ओके, अब वॉल्यूम हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, अब हमें लिखना है रेडियस ऑफ स्मॉल और स्मॉल स्फीयर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर हम निकाल सकते हैं, हर प्रत्येक का, ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर इक्वल्स 4/3 π 1³। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द ईच स्फीयर। द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्मड बाय द, ओके, द नंबर ऑफ सॉलिड स्मॉल स्फीयर इक्वल्स क्या करेंगे, बस डिवाइड कर देंगे 4/3 π 8³, 4/3 π 1³, ठीक है। तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 4/3 π 8 का क्यूब कितना, 512/1, दैट इज़ 512। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 512 नंबर ऑफ सॉलिड स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स हमें मिल सकता है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट होता है और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले वेरिएशन, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक ऑल्सो। ओके, तब तक लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।